लहसुन और आलू अब किसानों को झटका देते दिख रहे हैं। अच्छी कीमत हासिल करने के चक्कर में किसानों ने साल भर से माल रोक रखा था। उन किसानों को अब लहसुन और आलू घाटा बेचने पर पड़ रहा है। आलू में तो आगे स्थिति फिर भी सुधरने की उम्मीद है, लेकिन लहसुन किसानों को रुलाती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश की देवी अहिल्याबाई होलकर चौथराम थोक मंडी में शुक्रवार को सुपर बोल्ड क्वालिटी का लहसुन भी 2500 से 3000 रुपए क्विंटल के दाम पर ही बिका, जबकि लहसुन के औसत दाम तो 500 से 1000 रुपए क्विंटल रह गए हैं। माल की आवक भी अच्छी दिख रही है। दरअसल ठंड बढ़ने के साथ लहसुन का पुराना माल खराब हो रहा है। लहसुन पोछी पड़ने के कारण अब मजबूरी में किसानों को माल निकालना ही पड़ रहा है। पुराना माल रोक कर बैठे किसान अब हताश हो रहे हैं कि 5000 से 8000 के भाव पर उन्होंने लहसुन नहीं बेची और अब आधी कीमत पर माल मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। लहसुन की नई फसल 15 जनवरी के बाद बाजार में आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है, जबकि मालवा निमाड़ में अब भी किसानों के पास लहसुन का पुराना स्टॉक अच्छा खासा है। इंदौर आलू प्याज व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार लहसुन का पुराना स्टॉक इतना है कि इस साल मार्च तक भी पुरानी लहसुन आने की उम्मीद दिख रही है। दूसरी ओर खराब होने के डर से अब किसानों के पास मौका नहीं है कि माल को और ज्यादा रोक सके। रोकते भी हैं तो नई लहसुन आगे पुरानी लहसुन का भाव सुधरने नहीं देगी। भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष के अनुसार इस साल लहसुन की बुआई भी डेढ़ गुना क्षेत्र में हुई है। बीते साल धीरे धीरे माल निकालने के कारण लहसुन के दाम अच्छे बने रहे थे। किसानों ने बुआई की तब भी बीज के लिए 7000 से 8000 रुपए क्विंटल लहसुन खरीदी हुई थी। आने वाले फसल के अच्छे दाम को लेकर भी किसान शंकित हो गए हैं। इस बार लहसुन किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।